वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। क्या आप परेशान हैं कि आपका वीर्य जल्दी निकल जा रहा है, पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी टाइमिंग कम है, बिस्तर पे समय कम दे पा रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आपके मनमुटाव हो रहा है और आपको रोज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, पत्नी के ताने सुनने को मिल रहे हैं, आप परेशान हैं यार। क्यों परेशान है? क्योंकि आप शीघ्र पतन के रोगी हैं। आपको जो रोग है उसका नाम है प्री मैच्योर इजेकुलेशन, यानी कि शीघ्र पतन का आपको रोग है और आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए और आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं। रोज रोज आप टेंस रहते हैं, सही तरह से संभोग नहीं कर पा रहे, पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दोनों तरीके बताऊंगा, वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा और वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपकी बीमारी परमानेंट ठीक होगी। तो ये है वो तरीका जो आपको तुरंत लाभ देगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको फायदा मिलेगा, बट टेम्परेरी होगा। और ये वो तरीका है जो आपको लाभ देगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के लाभ देगा और ये परमानेंट है, यानी कि ये आपकी परेशानी को दूर करेगा। धीरे धीरे आपकी जो परेशानी है शीघ्र पतन की है वो आपकी ठीक हो जाएगी और इससे आपको फौरन लाभ मिलेगा। तो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, इसमें से एक है कंडोम और दूसरी है दवा, दवा जिसके अंदर तेल है और कैप्सूल है। तो दोस्तों, ये तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी आपसे छूट ना जाए। पहले मैं बताता हूँ आपको वो तरीका जो आपको तुरंत लाभ देता है। जी हाँ दोस्तों, वो है ये कंडोम। ये एक स्लीव है जिसको कि लिंग के ऊपर पहना जाता है। कंडोम इसलिए हमने कह दिया कि ताकि आसानी हो जाती है समझने में। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शक ऐसे हैं कि जिनको शायद स्लीव के बारे में ना समझ में आए बात, तो यहाँ मैंने कंडोम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है और आप आराम से कंडोम लफ्ज़ से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है जेसीबी कंडोम। जेसीबी कंडोम जो कि बिल्कुल लिंग के जैसा बना हुआ है। इसका आकार आप देख रहे हैं, इसका डिजाइन देख रहे हैं, नीचे यहाँ अंडकोश है, इधर छोटे छोटे डॉट्स बने हैं, ऊपर ऐसा जैसे कि बारीक सी नसें हैं, इस तरह का डिजाइन है। ये बिल्कुल ऐसा बना है जैसे कि आगे से लिंग का हिस्सा होता है, ग्लैंड होता है, बिल्कुल इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये आपको वास्तविक लिंग का एहसास कराए और जब आप इसको पहन करके संभोग करें तो आपकी पत्नी को भी वास्तविक लिंग का एहसास हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये इसकी डिजाइनिंग है। कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का है। इसकी थिकनेस आप देखो, ये इसकी थिकनेस है, काफी ज्यादा इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब ये तो हुई डिजाइन की बात, मटेरियल कौन सा है सब जानना चाहते होंगे, तो मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ बिल्कुल बात, ये रबड़ का बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि भाई हम रबड़ का कॉन्डम ले रहे हैं, तो उनको बता दूं कि भाई आप रबड़ के कॉन्डम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप सिलिकॉन से बने हुए कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि रबड़ का कॉन्डम आपको परेशानी में डाल सकता है, आपको जो परेशानी है उसको बढ़ा सकता है, बजाय इसके कि आपको फायदा हो उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो आप रबड़ से बने हुए स्लीव बने हुए कॉन्डम का इस्तेमाल ना करें, आप सिलिकॉन से बने हुए कॉन्डम का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये है सिलिकॉन से बना हुआ है, ये बिल्कुल वास्तविक लिंग के जैसा एहसास कराता है, बिल्कुल स्किन जैसा फील कराता है। अब इससे टाइमिंग कैसे बढ़ेगी? तो दोस्तों, ये क्योंकि एक कॉन्डम है तो आपको इसको लिंग के ऊपर पहनना है, पहन करके जब आप इसको संभोग करते हैं तो ये आपके लिंग की सेंसेशन को कम करके टाइमिंग को बढ़ा देता है। और क्या फायदा है? और फायदा ये कि लिंग की मोटाई को भी बढ़ा देता है क्योंकि थिकनेस इसकी काफी ज्यादा है। तो ये तरीका है वो जो आपको तुरंत लाभ देता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ है। फिर कह रहा हूं मैं ये बात, हो सकता है कि रबड़ का जो कॉन्डम है वो सस्ता मिल जाए आपको, लेकिन नुकसान होगा आपको उससे। तो आप कोशिश करें कि सिलिकॉन से बना हुआ कॉन्डम लें। तो दोस्तों, ये तो बात होगी इसके फायदे की बात होगी। अब थोड़ा सा डिजाइन पे भी बात कर लेते हैं। जो नीचे डॉट्स दिए गए हैं ये आपके पार्टनर पर सफलता का अनुभव कराते हैं और लिंक के जैसा डिजाइन है तो ये आपके पार्टनर को वास्तविक लिंग का एहसास कराता है। टाइमिंग बढ़ाता है ये आपकी, ये आपके लिंग को मोटा करता है और थोड़ा सा ये लिंग की लंबाई को भी बढ़ाता है। तो ये तो बात हो गई है इस कॉन्डम के बारे में, जेसीबी के बारे में, जो कि तुरंत लाभ देता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के देता है, वॉशेबल है, रियूजेबल है, धो करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं उस पर जो कि परमानेंट तरीका है और धीरे धीरे आपकी समस्या को ठीक करता है, जिसमें कि एक तेल है जिसका नाम है गो केबल इरेक्शन ऑयल और दूसरा है नॉटलेस प्रो कैप्सूल।
दोनों दवाएं देसी विधि द्वारा बनाई गई हैं। इसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण है, ऐसी जड़ी बूटियां जो आपकी टाइमिंग की जो समस्या है, शीघ्र बदन की समस्या है, उसको ठीक करती हैं। इसमें विदेशी जड़ी बूटियां डाली गई हैं दोनों दवाओं में, जैसे कि जिनसेंग है, दामियाना, हॉथोन, सापामेटो है, कटवाबा है, हॉर्नी कॉटवीड है, इस तरह की इसमें विदेशी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो इन दवाओं को खास बनाती हैं। और इसमें गोंद का भी इस्तेमाल किया गया है, कीकर का गोंद डाला गया है, ढाका गोंद डाला गया है, इसके अंदर शतावर का इस्तेमाल किया गया है, सफ़ेद मूसली, काली मूसली का इस्तेमाल किया गया है, काले कोंच के बीज इस्तेमाल किए गए हैं, ताल मखाना, ज्योतिषमती, अन्य कई तरह की जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो इन दोनों दवाओं को बेहद खास बनाता है, जिसमें से एक तेल है और एक कैप्सूल है। तेल लिंग की मालिश के काम आएगा, दिन में 2 बार आप लिंग की मालिश करें, हल्के हाथों से मालिश करें और 3 बार आप कैप्सूल का सेवन करें, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। तो दोस्तों, तीनों समय जब आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रहे खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, दूध के साथ लें अथवा पानी के साथ लें। तो दोस्तों, ये वो तरीका है जो आपकी समस्या को परमानेंट ठीक करता है और धीरे धीरे ठीक करता है, और इसका अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये वो तरीका है जो आपकी परेशानी को तुरंत ठीक करता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक टेम्परेरी तरीका है और इंस्टेंट तरीका है। तो दोस्तों, दोनों ही तरीके, दोनों ही दवाएं, दोनों ही ट्रीटमेंट, जिसमें कि कॉन्डम है, एक दवाई है, ये हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।